संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रचन सार परमागम की ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें सामान्य ज्ञान सामान्य द्रव्य अधिकार, गे तत्व प्रज्ञापन में सामान्य गे अधिकार की 114वीं गाथा चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि आत्मा पर्याय व द्रव्य अन्य अन्य हैं या अनन्य है। जब पर्याय व द्रव्य की अनन्यता की बात करते हैं कि अन्यता की बात करते हैं, तो ये काल को मुख रखते हैं और उसकी अपेक्षा से काल में क्या होता है कि जब एक पर्याय होती है तब दूसरी पर्याय नहीं होती। द्रव्य में क्या होता है, जैसे अनंत गुण है ना, तो एक एक गुण की एक एक पर्याय होंगी, ऐसे प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय अनंत पर्यायें होंगी। तो वे दो पर्यायें एक साथ नहीं होती, ये कहना नहीं बनता। ख्याल में है ना भाई, है ना। प्रदेशों में जैसी पर्याय जैसी कोई चर्चा है ही नहीं, इसलिए पर्यायों की दृष्टि से बात करते हैं कि जो कितनी सीधी सरल बात है कि मनुष्य देव नहीं है और देव मनुष्य नहीं है। एक अब एक आदमी मनुष्य पर्याय को छोड़कर देव पर्याय में गया। कल एक बात मेरे ख्याल में आई शाम को, संजय जी ने जो अपन को कथा सुनाई थी कि मारीचिका जीव उसी भव से मर के पांचवें स्वर्ग में गया था, फिर मनुष्य हुआ, फिर तीसरे स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य हुआ, फिर चौथे स्वर्ग में गया। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि जो हम ये कहते हैं कि उसने भगवान महावीर आदिनाथ का करके ऐसा बहुत भयंकर पाप किया, तो वो तो बात कहाँ साबित होती। कई भवों तक वो तो शुभ भाव में ही रहा, ऐसे हल्के स्तर का विरोध नहीं किया उसने। हल्के स्तर का विरोध किया होता तो वो नरकादिक गतियों में जाता, त्रिंज गति में जाता। ये बार बार स्वर्ग मनुष्य और मनुष्य में जाना और फिर वो स्वर्गों में मन बंतराधिक नहीं क्या, ये बातें उसको ये सिद्ध करती हैं कि उसने कोई हल्का स्तर का ऐसा कोई काम नहीं किया। वो आदिनाथ का विरोधी हो गया तो हम ये कहेंगे कि मुनि धर्म से भ्रष्ट हो गया, लेकिन ऐसे कपड़ा पहन के खाना पीना शुरू नहीं कर दिया, वो नग्न दिगंबर ही रहा होगा। ख्याल में आए ना, और बिल्कुल शुद्धता से समझ लो कि उसकी समझ में नहीं आ रही ये बात ऋषभ देव की, और उसको कुछ और तत्व अच्छा लगता है, जैसे सांख्य मत का उसने प्रचार किया कहते हैं। हमने कैसे जाना कि सांख्य मत था, ये तो मतलब अभी के हैं, ज़्यादा पुराने हैं ही नहीं। उसकी जो मान्यता थी वो एकांत नियतवाद की थी। नियतवाद मान सब कुछ जो कुछ नक्की है ये वो मानता था। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन लोग मारीच के भगत बन रहे हैं, अपन पे नियतवाद का आरोप लगाया जाता है कि सब कुछ नक्की है, सब कुछ नक्की है, किसी को कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना, ये आरोप लगता है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसा ही है कि वो नियतवाद उसने स्वीकार किया था, और नियतवाद को एकांत से स्वीकार करे और चार जो कारण हैं समवाय उनकी उपेक्षा करे तो वो एकांत है। तो अब अपना जो महान सुन लो आदिनाथ कह रहे हैं
कि सब कुछ नक्की है, ये बात 100% सच्ची है, लेकिन वो प्रत्येक क्रिया जो जिस समय जो होनी है, अकेला जिस समय जो होनी है उसी समय होगी, इतना ही नक्की नहीं है। जिस द्रव्य की पर्याय होनी होगी उसी की होगी, जो जो होनी होगी वही होगी, जैसी होनी होगी वैसी ही होगी, जिस निमित्त पूर्वक होनी होगी उसी निमित्त पूर्वक होगी। इतना ही कह सकते थे ना कि ये मारीच महावीर होगा, और फिर उसकी माँ का नाम त्रिशला होगा और बाप का नाम सिद्धार्थ होगा, और ये नगर का नाम वैशाली है, जो भी कुंडलपुर होगा, है ना। तो ये सब और बताने की क्या जरूरत थी। माने बाकी के समवायों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो वो एकांत नियतवादी था। अब जब वो निगोद गया, फिर मैंने उस पर भी बहुत ध्यान से सुना। वो कथा का निष्कर्ष बता रहा हूँ महेंद्र भैया, मैंने क्या सीखा उससे ये बता रहा हूँ कि वो देव में गया, फिर मनुष्य हुआ, देव गया, फिर मनुष्य हुआ, देव गया, फिर मनुष्य हुआ। तो मनुष्य भव के तो 8 ही भव होते हैं ना पुरुष के। अब 8 भव पूरे हो गए, अब कौन से पाप से गया फिर वो एक इंद्रिय की पर्याय में, पर वो निगोद में जैसे अपन कहते हैं, क्योंकि इतना लंबा काल जो संसार में रहना है, तो त्रिश पर्याय में तो 2000 सागर से ज़्यादा कोई जीव रहता ही नहीं है, अकेले उसके लिए थोड़ी बात है, ये तो सबके लिए है ना। ऐसे ही अपन थोड़ा बहुत पुण्य करते रहेंगे, वो सुरंग में जाते रहेंगे, और फिर आकर मनुष्य सोते रहेंगे, तो ये कितने से भव हैं। हो सकता है 5-6 अपन ने पूरे ही कर लिए हों, हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस दृष्टि से वो तो सबसे बड़ा पाप समझ लो ये हुआ कि उसने 2000 सागर में बाहर निकला, और उसने पूरे भव पूरे किए, और आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ पूरा उसको प्रकट नहीं हुआ, क्यों, और इसलिए गया वो। उसके निगोद जाने का, एक इंद्रिय की पर्याय में जाने का कारण तो ये है, क्योंकि वो तो एक निश्चित समय के लिए ही आया था, लेकिन अकेले इस कारण से काम थोड़ी चलेगा, तदनुरूप उसके परिणाम भी होने ही चाहिए ना, हैं। तो कहते हैं कि ये भी बात नक्की और पक्की है ना, कि जब वो आदिनाथ के सामने दुकान खोल के खड़ा हुआ था तो ग्रीत मिथ्यादृष्टि था। कितना ही शुद्ध सात्विक रहा हो, के विरोध में कितना ही सभ्यता बरती हो, कोई असभ्य बात नहीं कही हो, अपने आता कि इंद्रजालिया है, वो इंद्रजालिया है, वहाँ मत जाओ, इंद्रजालिया नहीं भी कहा हो, और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना मत अभिव्यक्त किया हो, तब 5वें सर्ग में गया। और फिर जब वो काल पूरा हो गया तो वो निगोद में उधर गया, जो उसकी पर्यायों की बात आती है कि उन पर्यायों में चला गया। तो सबसे बड़ा महापाप तो वो जो मिथ्यात्व की भूमिका में रहा ना। फिर हमको ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि ही स्वर्ग जाते हैं, ये भ्रम भी भंग होना चाहिए, क्योंकि जब आदिन वो तो गीत में था दृष्टि था, आदिनाथ के सामने खड़ा होकर विरोध कर रहा था, है, और उसके बाद भी वो 5वें स्वर्ग तक गया। तो उस स्वर्ग में जाने लायक जो लेसिया होना चाहिए, क्यों संजीव, वो लेसिया तो उसके रही होगी ना, तब उसे उस जाति का हुआ। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि अजैनी 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, आपने सुना। तत्वार्थ बोध नाम का एक ग्रंथ है, उसकी एक पंक्ति में बोलता हूँ, परमहंस नामा परमती आगे सहस्रार्ध नहीं गति। परमहंस नाम का जो परमती है वो 12 सहस्रार्ध माने 12वां
बार में स्वर्ग तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। वो जो परमहंस जो है ना, वो भी दिगंबर होते हैं, तन पे वस्त्र तक नहीं होता उनके। और बहुत शुद्ध सात्विक जीवन वाले, शांत चित्त वाले, अत्यंत मंद कसाय वाले जीव होते हैं, लेकिन उन्हें जैन दर्शन स्वीकृत नहीं होता उन्हें। मतलब सीधी सच्ची बात है, वो अनेकांतवाद उनके ख्याल में नहीं आता। तो ये बात समझना भी कितनी ज़रूरी है कि जरा भी इस नयों के संदर्भ में आपका बैलेंस बिगड़ा तो एकांत होते देर नहीं लगेगी। क्या इसलिए अत्यंत, इसको बोलते हैं अत्यंत निश्चित धारम जिनवरस नये चक्रम दुरासदम। जिनेन्द्र भगवान का नये चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है और दुरासद है। दुरासद जानते हैं किसे बोलते हैं? अत्यंत कठिनाई से साधने योग्य है, असाध्य है ये भी नहीं कह रहे, और सरलता से सिद्ध हो जाएगा आपको ये भी नहीं कह रहे। दुरासद है, उन्हें अत्यंत कठिनाई, पूरे प्रयत्न पूर्वक गहराई से उसको समझेंगे तो ही उसकी उपलब्धि होगी। और उसके लिए अत्यंत निश्चित धारम, जिसकी धार अत्यंत पैनी है। धार किसकी होती है? हथियार की। दो चीज़ें होती हैं, एक औजार और एक हथियार। जानते हो इन दोनों में अंतर क्या है? औजार आपके कल कारखानों में लगते हैं, मशीनों को ठीक करने में लगते हैं, टूल्स जिन्हें आप बोलते हैं जो भी हैं, वे सब औजार हैं। वो भी उन्हीं चीज़ों के बनते हैं, और ये अनुभव मुझे मारने के काम आते हैं, जानते हैं ये हथियार हैं। तो हथियार के अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला होता है। पुराने जमाने में वो होती थी तलवार, ऐसा जोर से करते थे बांसों का, पूरा का भिड़ा का भिड़ा बांसों का, समझते देखा कभी? ये बांस, सैकड़ों बांस एक साथ उगते हैं और ऐसे रहते हैं, तो उसने एक से किसने मारा था पता है? होता ना लक्ष्मण जी ने, समझ गया ना? वो जब वो अपनी तलवार सिद्धि हुई थी तो उसकी धार देखने के लिए वो खरदूषण था, कौन दूषण था, वो उसका मर गया था। तो अत्यंत तीक्ष्ण धार, यहाँ धार से क्या लेना देना? तो धार से लेना देना ये है, देखो ये किताब है, पहले भी मैंने समझाया है, इस किताब पर, इस किताब को रखा जाता है बहुत आसानी से, फिर इस किताब पर, इस किताब को थोड़ी कठिनाई के साथ लेकिन रखा जा सकता है, फिर धीरे धीरे एक नीचे की किताब बारीक करते जाओ, ऐसी कर दो बस करो। अब इसे रखो, समझे ना? और अब वो इतनी बारीक करो कि तलवार की धार जैसी इतने इसमें पतला बना जाए, समझे ना? नहीं कहा तलवार की धार जैसा पतलापन आ जाए, अब उस पर कोई चीज ऐसी रखो, अब उस पर उसे रुकना चाहिए। रुक तो सकती है, विज्ञान तो ये कहता है रुक सकती है, लेकिन एक ही शर्त है कि दोनों तरफ का वजन बराबर होना चाहिए। एक ग्राम भी वजन दूसरी तरफ ज़्यादा रहा तो वो उस पर नहीं रुकेगी, उस तरफ को ढुल जाएगी, ख्याल नहीं ना? तो जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र इतनी निश्चित धार वाला है कि उसकी कितनी सावधानी की अपेक्षा है कि हम द्रव्यार्थक नए को प्रमुख करें और पर्यार्थक में गौण करने के लिए आज्ञा है, और गौण करने का अर्थ होता है सर्वथा बंद करना, पूरी उस आँख को पूरी तरह बंद करना। मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूँ, कल अपन कर रहे थे ना द्रव्यार्थक नए की चक्षु को
खोल के पदार्थ की शक्ति को सर्वथा बंद करके पूरी तरह बंद करके वो उस अपने चार पांच शब्द डाले हैं। हालांकि वो एक शब्द में भी वही अर्थ निकल जाता है, लेकिन आपको उसकी उस पर जो वजन हम डालना चाहते हैं तो वजन डालने के लिए क्या करते हैं? पूरी तरह सर्वथा किसी भी तरह कम नहीं, मतलब उस पर हमने उस पर बहुत वजन डाला है। अब आपके चित्त में वो वजन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आप समझे ना, इसके लिए हम इतनी घिसाई उसकी कर रहे हैं कि वो हमारा दिमाग में होना चाहिए। अब गौण का अर्थ चुप्पी होता है। चुप्पी होता है का मतलब क्या? नए दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञातु अभिप्राय नया और एक वक्तु अभिप्राय नया। एक ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं और एक वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो वक्ता के अभिप्राय को नए कहते, जब हम नयों को समझाते हैं शिष्यों को, तब हम वक्तु अभिप्राय नया का प्रयोग करते हैं। और जब हम खुद समझते हैं हैं, तो हम जो स्वार्थानुमान होता ना, एक परार्थानुमान एक स्वार्थानुमान, जब हम स्वयं अनुमान से निर्णय करते हैं कोई चीज़ का, प्रभुतो यम अग्निमान धूमवत्वात्, खुद के निर्णय कर रहे और फिर शिष्य को समझा रहे कि देखो पर्वत, दोनों में फर्क होगा ना, एक को बोलते स्वार्थानुमान एक को बोलते परार्थानुमान। तो ये वक्ता का अभिप्राय, तो वो उसको ही कहे, उसके विरुद्ध भी वस्तु का स्वरूप है और उस विरुद्ध वाले की हैसियत भी, जिस पक्ष को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस पक्ष से किसी कीमत पर कम नहीं है। देखो, आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है। हम अध्यात्म वाले कहाँ गलती कर सकते हैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नित्यत्व नाम का एक धर्म है और अनित्यत्व नाम का एक धर्म है, और दोनों धर्म की हैसियत बिल्कुल बराबर है। आत्मा नित्य है, ये बात जितनी वजनदार है उतनी अनित्य है, माने प्रति समय पलटता है, ये बात भी उतनी ही वजनदार है। अनादिकाल से आज तक यदि इसकी नित्यता खंडित नहीं हुई, तो अनादिकाल से आज तक इसकी अनित्यता भी एक समय को भी खंडित नहीं हुई है। अब इसी अपेक्षा हम क्या कहते हैं कि उसकी नित्यता भी नित्य है, अनित्यता भी नित्य है, तो एकदम आमने सामने आती तो हमको अटपटी लगती है। अब हमको ये दोनों बातें समझनी है। इस दोनों धर्मों की हैसियत बिल्कुल बराबर है और उनकी उपयोगिता भी है, वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन बराबर हैसियत है, लेकिन एक को यदि हमें पूरी तरह अच्छी तरह जानना है, एक पक्ष को जानना, तो पूरी वस्तु है लेकिन एक समय में एक पक्ष को जाना जा सकता है अच्छी तरीके से, तो हमें दूसरी आँख पूरी तरह बंद करना चाहिए। वो रंच मात्र भी कहने से, आप थोड़ी इधर देखता रहे, कोई ऐसा करता रहे, अभी पूरी तरह और रस बंद करने में आप देखो कि ये अपने आँख ऐसी बंद कर ली, तो ये आँखें मैंने बंद कर ली ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, तो अभी बहुत उजीला जैसा दिखता है, और फिर और करता हूँ तो फिर और काला काला होता जाता है, फिर यदि और ऐसा करता हूँ तो बिल्कुल घना अंधकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने पर मुझे दिखता है, पूरी तरह नहीं दिखता है, लेकिन नहीं दिखने का भेद नहीं है वो। तो वो तुम्हारा दूसरा नए ऐसा कुछ दिखे ऐसा खुला नहीं रहना चाहिए, उसे पूरी तरह बंद होना चाहिए, उसका व्यामोह आपको खत्म होना चाहिए। इस बात पर बहुत वजन दिया गया है शास्त्रों में, और उसका फिर अतिरेक हो जाता है जब वजन जितना पड़ा ना उससे ज़्यादा वजन पड़ जाता है। ये अपना जो एंजियोग्राफी होती है ना, एंजियोग्राफी, तो यहाँ से नस में से वो डाल करके यहाँ हार्ट तक जाते हैं, और फिर वो उसमें खून की धारा बहुत तेज बहती है, तो उस पर जब उसे बांधते हैं बंद करके,
तो 60 किलो वजन डाला जाता है। तो 60 किलो वजन यहाँ कैसे डालेंगे, कोई किसी को खड़ा करेंगे एक आदमी को? तो उसकी जो कसावट होती है उसका नाप मशीनों से नापते हैं कि 60 किलो होती है, अन्यथा वो खून इतनी तेजी से बाहर निकलता है कि 60 किलो से कम वजन हो तो वो उसे फेंक देगा और एकदम फब्बारा छूट के बह जाएगा। तो 60 किलो से कुछ ज़्यादा डाल दें तो अपन 70 किलो डाल दो, 70 किलो डाल दो तो वो मरीज मर जाएगा। उसमें उससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती। तो वो 60 किलो माने 60 किलो माने गौण, माने पूरी तरह गौण। और अभी बक्तुर अभिप्राय नयो के हिसाब से चुप रहना गौण है का अर्थ है, चुप्पी का चुप रहना माने अपन चुप नहीं रहे, उसके बारे में चुप रहना। जैसे हम कहें निश्चय से भगवान आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निकार है, बिगार है, राग द्वेष मोह उसमें है ही नहीं, रंचमात क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है, संबंध से ज्ञान चात की पर्याय भी नहीं है, ऐसा ऐसा करते जाएँ कौन कौन करते जाएँ गुण देखते तो वो व्यवहार नहीं से क्यों व्यवहार नहीं से पूछ लिया उसने थोड़ा उसे वो भी बता दो तो वो व्यवहार नहीं मुख हो गया, गुण नहीं रहा, वो तेरी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तेरे हम निश्चय नए को मुख्य कर रहे हैं और तेरे नए में व्यवहार नए उछल रहा है अंदर से। ये प्रश्न कहाँ से आया है? फिर वो सर्वथा नहीं हो जाएगा। तुझको ये डर लगता है कि वो नए मर ना जाए, लेकिन वो कहता है तुम चिंता मत करो, जितना वजन हमने डाला है उतने में मरेगा नहीं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उतने कम वजन से हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो जब हम द्रव्यार्थक नए की चर्चा करें तो पूरी तरह से उतना वजन बिल्कुल व्यवहार नए के बारे में पूरी तरह चुप रहें, और जब व्यवहार नए का वर्णन करें अथवा परार्थक नए का वर्णन करें तब द्रव्य के बारे में उसी तरह आँख बंद करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि नहीं ये तो बहुत महिमाबंद चीज़ है इसलिए इसको तो हम इतना गौण नहीं कर सकते। नहीं तुम क्या कह रहे, त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा को गौण कर दें? नहीं करना। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा महेश? क्यों? क्योंकि अभी जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें वो मुख्य करना पड़ेगा, और वो मुख्य तभी होगा जब तुम उसके अलावा सब चीज़ों को गौण करोगे, और उसमें वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है। ख्याल में आई ना बात? तो उसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि इतनी महिमा उसी त्रिकाली ध्रुव की आ गई और वो समझता है इसमें हम उसकी महिमा कुछ कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तू समझता ही नहीं है कि उसको 24 घंटा तुम अपने उसमें रखेगा, रखा ही नहीं। भगवान तो कहते हैं कि अंतर्मुहूर्त रहेगा तो केवल ज्ञान हो जाता है, फिर तो वहाँ नए ही खत्म हो जाते हैं, फिर अपेक्षा लगाने की बात खत्म हो जाती है। अंतर्मुहूर्त तक आत्मा आत्मा में रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है, और फिर वो ज़्यादा रहे तो अरे ज़्यादा रहे, ज़्यादा रहे नहीं, अंतर्मुहूर्त रहा तो फिर वो अनंत काल रहता ही है, चाहे अंतर्मुहूर्त कहो चाहे अनंत काल कहो, एक ही अर्थ है, क्योंकि वो बाहर आता ही नहीं है फिर, और सारा लोकालोक दिखता है फिर तुम तो लोकालोक दिखेगा तो वो तो गौण हो गया, अपर पक्ष मुख हो गया। क्या समझ में आता है? क्या नाम है तेरा? नाम भूल गया हूँ। हैं? हाँ बोल राजेश। हैं? समझ में आई बात करनी क्या कह रहा हूँ? अरे भाई केवल ज्ञान हो गया है तो वहाँ नया ही खत्म हो गए, वहाँ मुख्य गौण की व्यवस्था ही खत्म हो गई, वहाँ मुख्य गौण करके जानने ही नहीं पड़ता है। ज्ञान की इतनी निर्मलता प्रकट हो गई कि स्व और पर दोनों एक साथ बिल्कुल एक से स्पष्ट दिखाई देते हैं। अनंत गुण अपने दिखते हैं जैसे, ऐसे ही पुद्गल के भी अनंत गुण दिखते हैं अपने, जैसे एक एक गुण की एक एक पर्याय दिखती है ऐसे पुद्गल की भी एक एक गुण की एक एक पर्याय
दिखती है। वैसे मैं 9 बजे बंद कर दूंगा, और जल्दी कराना हो तो बोल देना। मेरी बात समझ में आ रही ना? इस गाथा का कोई भरोसा नहीं कब तक चलेगी। ये तो जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक ये चलेगी। बहुत मार्मिक गाथा है, वैसे तो ऊपर से तो बहुत सरल है। अरे अर्थ में इसको गौण कर दो, दिव्यार्थ में इसको मुख्य कर दो, फिर इसको गौण कर दो, फिर इसको मुख्य कर दो। लेकिन गौण कर दो माने क्या? वो गौण से कुछ अधिक ना हो जाए और गौण में कुछ कम ना हो जाए, माने दिखना किसी प्रकार नहीं चाहिए और उसके अस्तित्व से किसी भी कीमत पर इनकार नहीं होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, है ही नहीं, समझ लो है ही नहीं, समझ लो है ही नहीं माने होता है समझ में आई समझ कि नहीं? है ही नहीं, है ही नहीं, मैं कहता हूँ समझ लो कि है ही नहीं। बाप बेटे से कहता है दुकान पे बैठा बैठा, बेटा तू ग्राहक को डील कर। अब ग्राहक बाप के पास आता है तो कहते भैया से बात करो, भैया से बात करो, तो वो भैया के संतोष नहीं होता है। कभी बच्चे को भी विकल्प आता है कि पिताजी से पूछ लूँ, कि पिताजी इस भाव दे दूँ, इस भाव ले लूँ, जो कुछ भी। तो कहते नहीं तुम खुद भी हो, तुम निर्णय करो अपने आप, हमसे बिल्कुल नहीं। कल हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा, तब किससे पूछोगे? तो वो कहता है जब तक हो तब तो पूछ तब तक तो पूछ लेने दो, जब नहीं रहोगे तो देख ही जाएगी। तो वो कहता है समझ लो हम मर गए। क्या क्या कहा? समझ लो हम मर गए। क्या समझ लूं? बोलो सच बोलना, ये समझ लूं मैं कि तुम मर गए? यहां समझ ले, फिर मैं एक दफे कहता हूं समझ लूं कि हाँ समझ ले, तो जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने कहा क्या हो गया? कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसमें भी ऐसा होता है, मतलब समझ गए कि है ही नहीं, है ही नहीं, प्रयास ही नहीं की चक्षु को, तो लाल चंद भाई ने इसी भन में मार दिया। अरे भाई उसे जब वो ग्राहक चला जाएगा तब तू नहीं पूछेगा तो भी मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना था। लेकिन ग्राहक के सामने बिल्कुल मैं बताऊंगा नहीं, तू मेरे समझने तुम्हारा हुआ जैसा समझना। तो ऐसा कहते हैं गौण माने समझ लो है ही नहीं। इसलिए जनवाणी में भी आप अच्छी तरह गौण करें, इसके लिए कई दफे ऐसी बात कही, कई जगह मिलेगी, लेकिन उसका अर्थ आपको ही समझना पड़ेगा। हमें वो पेज लाला के दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो पेज हमने पहले से देखा है। वो गुरुदेव के लिए मैं बताता हूँ ना, आज सुबह आया था क्या वो खबर छे, बड़ी खबर छे, लड़का बोल रहा था कि सुबह 5 बजे में गुरुदेव से कोई प्रश्न पूछो महेंद्र भैया, तो अपन ने पूछा कि साहब वो कैसा होता, कोई भी प्रश्न पूछा, 5वें स्वर्ग में दीप जाता है, ऐसा होता है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो चला गया मारीच, अपन पूछें तो वे क्या कहेंगे, उसका जवाब देंगे हाँ नहीं कुछ नहीं, खबर छ के साहब वो चला गया 5वें स्वर्ग में, बधी खबर छ। अच्छा लेकिन वो ठीक है क्या? हजारों ग्रंथ देखा है, दिगंबर का, श्वेतांबर का, ये क्या जवाब दे रहे? हमने कब पूछा तुमने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, कितने देखे, कितने नहीं पढ़े हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो मैं ये कह रहा हूँ वो उस बात को जान के कह रहा हूँ, खबर छ माने उसका मुझे पता है फिर कह रहा हूँ। तो उसने और आगे बताई कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो फिर वो उसका जवाब देते बधी खबर छ माने मैं सब जानता हूँ जो तुम बता रहे हो, और फिर मैं कह रहा हूँ अब तुम शांति से सुनो, फिर भी तुम कहते रहे
तो हजारों साथ देख तुम्हें गोमर सार में ऐसी लिखी, फलाने सार में ऐसी लिखी, फलाने सार में त्रिलोक विज्ञप्ति में ऐसी लिखी, क्योंकि बहुत शास्त्र देखा है। माने वो सारी चीज़ें देख कर उन अपेक्षाओं को मैं समझ कर मेरे दिमाग में हैं और उसके बाद में ये बात कह रहा हूँ, तुम इस बात को समझ लो। तो ये अपेक्षा जब तक हम नहीं समझेंगे गहराई से, ना पूज्य गुरुदेव श्री को समझ सकते हैं, ना जनागम को समझ सकते हैं। सबको समझने के लिए हमें उस बात को बहुत गहराई से निर्णय करना होगा।